नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, स्माइल प्लीज। बच्चों, आई होप ऑल आर कीपिंग गुड हेल्थ, वेरी गुड चिल्ड्रन। सर, लास्ट क्लास में हमने त थ द ध न सीखा था ना, तो आगे के अक्षर जो है, फिफ्थ लाइन प फ ब भ म, वो सीखने से पहले लास्ट क्लास के अक्षरों को हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने त वर्ग सीखा था ना। ता का पहला अक्षर ता है। त से तलवार, या ता से तरबूज, ता ता ता। इसके बाद है था। था से थर्मस, था था था। इसके बाद है द। द से दवाई, दा दा दा। इसके बाद है ध। ध से धनुष, धा धा धा। इसके बाद है ना से नमक, ना ना ना। बच्चों, प वर्ग यानी प फैमिली में कौन कौन से अक्षर हैं, चलिए हम देखते हैं। प से पत्ता, पा पा पा। इसके बाद है फ। फ से फल, फा फा फा। इसके बाद है ब। ब से बतख, बा बा बा। इसके बाद है भ। भ से भवन, भा भा भा। इसके बाद है म। म से मछली, मा मा मा। बच्चों, प वर्ग के अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों पे ध्यान देना है, चलिए हम देखते हैं। बच्चों, व्यंजन का फिफ्थ लाइन प वर्ग कहलाता है, और प वर्ग में भी पांच अक्षरों को रखा गया है। चलिए हम देखते हैं कि वे अक्षर कौन कौन से हैं। प वर्ग का पहला अक्षर प है, तो प लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक स्लीपिंग लाइन लगाना है। स्लीपिंग लाइन लगाने के बाद एक स्टैंडिंग लाइन लगाइए। स्टैंडिंग लाइन लगाने के बाद यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन लगाइए, और इस तरह से मुड़ते हुए इस स्टैंडिंग लाइन को जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका प। वन फिंगर स्पेस देने के बाद हमको फ लिखना है। वन फिंगर स्पेस देने के बाद आपको एक स्लीपिंग लाइन लगाना है इस तरह से, और बीच में आपको एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, और इसके बाद आपको इस तरह से प का शेप देना है। फिर आपको यहां से इसी को टच करते हुए मुड़ जाना है। इस तरह से आपको ये कर्व जो है, इस तरह से लेकर आके मुड़ जाना है। ये बन गया आपका फ। फ के बाद हम लिखेंगे ब। ब के लिए हमें एक स्लीपिंग लाइन लगाना है, बीच में नहीं, थोड़ा साइड में। इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है। स्टैंडिंग लाइन लगाने के बाद आपको एक इस तरह से गोल बनाना है, और इसके बाद बीच में से इसका पेट कट करते हुए एक लाइन लगाइए। ये बन जाएगा आपका ब। इसके बाद है भ। वन फिंगर स्पेस देने के बाद हमें भा लिखना है। पहले आपको एक यहाँ पे इस तरह से गोल बनाना है, और फिर नीचे की तरफ आना है, फिर इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की तरफ गए, फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन लगाया, और इसको टच करते हुए इस तरह से क्रॉस करना है, फिर यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, इसको टच करना है इसके साथ, फिर ऊपर में एक स्लिपिंग लाइन लगाना है, और यहाँ पे गैप देना है। इस तरह से ये बन जाएगा आपका भ। फिर से बताती है, गोल बनाइए, नीचे की तरफ आइए, स्लैंटिंग लाइन लगाइए, स्लीपिंग लाइन लगाइए, और स्टैंडिंग लाइन के साथ इसको टच करिए, और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन लगाइए। ये बन जाएगा आपका भ। भ के बाद आता है म। म के लिए भी आपको एक स्लीपिंग लाइन लगाना है, फिर इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, बीच में नहीं, थोड़ा साइड में, इस तरह से एक स्टैंडिंग लाइन लगाइए, फिर यहां पे आपको एक और एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है, और फिर इसके बाद आपको यहां से ऊपर में स्लैंटिंग लाइन लगाना है, एक स्लीपिंग लाइन लगाना है, और पीछे लाइन के साथ आपको जोड़ देना है। ये बन गया आपका म। तो इनको कैसे बोला जाता है, देखिए, प फ ब भ म। चलिए अब हम देखते हैं इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। प से पतंग,
पा से पपीता, फ से फल, फ से फसल, ब से बतख, ब से बटन, भ से भवन, भ से भजन, म से मछली, म से मटका। बच्चों, मेरे पास पा से पनीर है, पा से पनीर, ये पनीर है, पनीर, पा से पनीर। फिर पा से मेरे पास एक छोटा सा पर्स है, ये देखिए, ये पर्स, पा से पर्स, पा से पनीर। फिर पा के बाद जो है फ आता है, फ, फ से मेरे पास कुछ फल रखे हुए हैं, ये देखिए फल, ये देखिए फल, जैसे यहाँ पे सेब है, अमरूद है, आम है, ये सब फल है, फ्रूट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर इसके बाद मेरे पास फ के बाद जो है ब आता है, ब से मेरे पास बतख है, ये बतख है। इसके बाद बतख को इंग्लिश में डक कहते हैं, डक। और ब से बटन, ब से बटन, ये देखिए यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। ब के बाद भ आता है, भ से भगोना, इसको वेसल कहते हैं इंग्लिश में, भ से भगोना, भा से भगोना। भा के बाद मा आता है, मा से, ये क्या है बच्चों? यस, ये है मछली, ये है मछली, मा से मछली, है ना, क्यूट सी मछली, देखिए इतनी प्यारी सी मछली दिख रही है, ऐसे पानी में वो तैरती है। चिल्ड्रन, दिस इज योर होमवर्क, राइट प फ ब भ म विथ पेंसिल। चिल्ड्रन, यू नीड टू राइट क्लियरली, नीटली एंड इन ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। चिल्ड्रन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हैंड राइटिंग। चिल्ड्रन, प्रैक्टिस वेल। चिल्ड्रन, रीड, टेल एंड राइट। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक्स। चिल्ड्रन, big half circle, small line, this is wrong, or small half circle and long line, this is also wrong. For fa also, big half circle and small half circle is wrong, or small half circle and big curve is wrong. For ba also, small line and big circle, or big line or small circle is wrong. Children, don't write like English also, this also is wrong. Children, this bha and ma, you have to be more careful when you write bha and ma, because almost both are looking alike, both dono ek jaise dikh rahe hain, little difference is there. Bha, if you write bha, loop is there, here circle is there. For ma, there is no loop or no circle. So when you write bha, you have to give gap. Children, here don't join the line complete. If you put complete line, it will become wrong. So you have to write bha correctly and ma also. So take care of all these mistakes, children. See you in next class. Bye bye, children. Practice well, children. Please read, tell and write, children. थैंक यू चिल्ड्रन। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।